शर्मिंदा हूँ, बहुत शर्मिंदा हूँ। इंसान इंसानियत पे और इंसान होने के नाते बहुत शर्मिंदा हूँ। जिस तरह के हाथरस का ये समाचार, दुखद समाचार आया है, हाथरस की बेटी मनीषा वाल्मीकि, मनीषा वाल्मीकि, उसके साथ कुकर्म हुआ है और चार धरिंदों ने इस तरह से किया है कि इंसानियत तो क्या, हैवानियत भी शर्मिंदा हो जाए, हैवानियत भी शर्मिंदा हो जाए। जानवरों से बदतर काम किया, क्योंकि जानवर भी कभी खुखार से खुखार जानवर भी ऐसा काम नहीं करता। क्या गुजरी होगी उस पर, क्या गुजरेगी उसके माँ बाप पर, और क्या गुजरी होगी वहाँ के इलाके के लोगों पर, हम सब पर क्या गुजर रही है, मैं शब्द में नहीं बता सकता। कैसे इंसान इतना दरिंदा हो जाता है कि उसे किसी के दर्द का एहसास नहीं होता है। भारत माता की धरती वो धरती है जहाँ लोगों ने लोगों की खुशियों के लिए अपनी जान दी है, और ये कौन से दरिंदे और कौन सा समाज और कौन सी नई दुनिया आ गई कि लोग अपनी खुशी के लिए लोगों की जान तक ले लेते हैं। बहुत शर्मिंदा हूँ इस दरिंदगी से, बहुत शर्मिंदा हूँ। मैं न्याय प्रणाली से ये हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ कि इसका फास्ट ट्रैक पे फैसला हो, उन चारों को फांसी होनी चाहिए। ऐसी वो तड़प तड़प के मरे, ऐसी तड़प के उनकी मौत हो कि उन्हें पता चलना चाहिए दर्द क्या होता है, तड़प क्या होती है, तकलीफ क्या होती है। और तमाम मीडिया के भाइयों से भी निवेदन है कि इस सवाल को उठाया जाए। मानव जाति के लिए जो संस्थाएं बनी हैं ह्यूमन राइट्स, उनसे भी निवेदन करता हूँ कि अब वक्त हो गया कि हम सब एक हो जाएं और मिलके इस अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाएं, वरना ये सिलसिला चलता रहेगा। वो कहते हैं ना कि अन्याय से, अन्याय जो है वो किसी का सगा नहीं होता। आज उस गरीब के साथ में हुआ है, कल किसी और के साथ में होगा। प्लीज़ इस चीज़ का सब लोग दखल ले और मिलकर कंधे से कंधा मिलाकर वाल्मीकि परिवार को, कितना पवित्र नाम है वाल्मीकि परिवार जिसने रामायण लिखी थी, उस परिवार को, उनके उनके ही अनुज होंगे, ये वंशज होंगे, न्याय दिलवाया जाए दोस्तों, वरना उस बेटी की आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। ये वक्त चुप बैठने का नहीं, उस बेटी की आत्मा को शांति पहुंचाना और इस दरिंदगी को, इस तरह की दरिंदगी को हमेशा के लिए देश से ख़त्म करना, ताकि आने वाली किसी बहू बेटी पर यह प्रॉब्लम ना आए, या किसी समाज पे ये प्रॉब्लम ना है, हिंदुस्तान पे ये प्रॉब्लम ना है। मेरी आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है दोस्तों, प्लीज़ अब वक्त आ गया है जागने का, अब वक्त आ गया है कि ऐसे दरिंदों को सबक सिखाने का। प्लीज़ धन्यवाद, जय हिंद। YouTube पर अभी हमारे चैनल BPA News को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं ताकि आप कोई भी खबरों को मिस न करें व हमारे वीडियोस को लाइक करें।